मंगोलपुरी एवं बलोक इलाके में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर सोमवार रात एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। एक दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहनों, कार, दुकान, घरों को बनाया गया निशाना, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़, शांति भंग करने आदि की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इलाके में रहने वाली एक लड़की का कुछ युवक पीछा करते थे, जिसके बारे में लड़की ने अपने परिवार को बताया। लड़की के भाई ने सोमवार दोपहर को एक बदमाश को धमकाया था कि वह बहन का पीछा ना करे। उस वक्त लड़के की लड़के के भाई से बदतमीजी भी हुई थी और देखने की धमकी दी गई थी। इसी बात को लेकर रात में आरोपी शख्स अपने दर्जनों साथियों के साथ दोपहिया वाहनों पर आया। सभी के हाथों में डंडे, रोड आदि हथियार थे। इलाके में आते ही आरोपियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गालियां में जान से मारने की धमकियां देते हुए लड़के के घर पर हमला बोल दिया। घर में लड़के लोहे के गेट को जबरन तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार ने तब तक खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। मंगोलपुरी एवं बलोक इलाके में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर सोमवार रात एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। एक दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहनों, कार, दुकान, घरों को बनाया गया निशाना, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़, शांति भंग करने आदि की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इलाके में रहने वाली एक लड़की का कुछ युवक पीछा करते थे, जिसके बारे में लड़की ने अपने परिवार को बताया। लड़की के भाई ने सोमवार दोपहर को एक बदमाश को धमकाया था कि वह बहन का पीछा ना करे। उस वक्त लड़के की लड़के के भाई से बदतमीजी भी हुई थी और देखने की धमकी दी गई थी। इसी बात को लेकर रात में आरोपी शख्स अपने दर्जनों साथियों के साथ दोपहिया वाहनों पर आया। सभी के हाथों में डंडे, रोड आदि हथियार थे। इलाके में आते ही आरोपियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गालियां में जान से मारने की धमकियां देते हुए लड़के के घर पर हमला बोल दिया। घर में लड़के लोहे के गेट को जबरन तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार ने तब तक खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। मंगोलपुरी एवं बलोक इलाके में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर सोमवार रात एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। एक दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहनों, कार, दुकान, घरों को बनाया गया निशाना, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़, शांति भंग करने आदि की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इलाके में रहने वाली एक लड़की का कुछ युवक पीछा करते थे, जिसके बारे में लड़की ने अपने परिवार को बताया। लड़की के भाई ने सोमवार दोपहर को एक बदमाश को धमकाया था कि वह बहन का पीछा ना करे। उस वक्त लड़के की लड़के के भाई से बदतमीजी भी हुई थी और देखने की धमकी दी गई थी। इसी बात को लेकर रात में आरोपी शख्स अपने दर्जनों साथियों के साथ